ओम नमः शिवाय, ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दुर्लभ सामग्री की अति दुर्लभ वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज का जो उपाय है, उपाय नहीं कहेंगे इसको, इसको एक्सपेरिमेंट कहेंगे। बहुत ही उम्दा और बहुत ही तेज काम करने वाला एक्सपेरिमेंट है ये इतना प्रभावशाली है कि हर किसी के लिए काम करेगा। यदि कोई महिला है और वो किसी को चाहती है तो वो इसके ज़रिए उस इंसान को, उस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकती है। यदि कोई पुरुष है और वो किसी महिला को चाहता है तो वो भी उसे अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकता है। इसमें ध्यान देने वाली क्या बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले तो ये चीज़ आपको लगातार करनी होगी, और जब तक करनी होगी जब तक कि आपको असर ना होने लगे या जब तक आपको परिणाम ना मिल जाए। इसको कोई भी कर सकता है, इस संसार में कोई भी व्यक्ति करके इससे अपने इच्छा अनुसार फल प्राप्त कर सकता है। बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है, और इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ में ना आए। इतना भी माना जाता है कि यदि कोई मंत्र जाप करे तो उसमें गलती हो सकती है। यदि कोई उपाय जाप करें, उपाय के समय में, समय के अंतराल में भी गलती हो सकती है, लेकिन ये तो इतना सरल और सटीक है कि इसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं। ये एक बार करो और आराम से रहो, इतना सरल उपाय है ये। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले ध्यान से सुनिए। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों के काम बन रहे हैं, रोज़ाना मुझे फ़ोन करते हैं, और जो लोग नहीं कर पाते, किसी कारणवश रह जाते हैं, वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, वो मुझे अपना नाम भेज सकते हैं, फ़ोटो भेज सकते हैं। अगर वो अपनी रिकॉर्डिंग लोगों को सुनाना चाहते हैं कि उनके काम बने हैं, तो फिर वो भी हमें भेज सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इस उपाय को आप साध सकते हैं, अपना कोई भी नामुमकिन से नामुमकिन काम भी पूरा कर सकते हैं। याद रखिए, ये वाटर एक्सपेरिमेंट पार्ट टू है। जितना सफल वाटर एक्सपेरिमेंट वन है, ये उतना ही सफल ये भी है। लोग पानी को एक साधारण चीज समझते हैं कि इसे पी लिया जाए और अपनी प्यास बुझा ली जाए, इसके अलावा ये कुछ नहीं करता, तो वो बहुत ही गलत है। पानी के ज़रिए आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और बहुत से लोग इसे करते भी हैं। बहुत से लोग हैं जो पानी की मदद से अपनी ज़िंदगी को बदल के रख लेते हैं। यदि आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं, और करना क्या है इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। आपको दो पानी के ग्लास लेने हैं, जैसा आप देख रहे हैं, दोनों भरे हुए होने चाहिए। और दोनों पे आपको क्या लिखना है वो ध्यान से सुनिए। पहला ग्लास जो भरा हुआ है, उस पे आपको अपनी वर्तमान स्थिति लिखनी है कि आपके साथ अभी क्या हो रहा है। उदाहरण के तौर पे आपको अपने जीवन साथी को पाना है। अब आप उसमें लिखेंगे कि मेरी वर्तमान की जो स्थिति है वो सही नहीं है, मेरा जीवन साथी मेरे साथ नहीं है और मैं दुखी हूँ। इस तरह से आप उसमें कुछ भी दो चार बातें लिख सकते हैं। और एक दूसरा ग्लास लेना है, वो भी पानी का ग्लास भर लीजिए, सेम उसी क्वांटिटी में और उसी हिसाब से, दोनों ही कांच के ग्लास होने चाहिए। और उसके बाद उसके ऊपर वो लिखना है जो आप चाहते हैं। पहले आपको अपनी वास्तविकता को स्वीकारना होगा कि हाँ, मेरे साथ वो इंसान नहीं है अभी और मैं दुखी हूँ। जब तक आप अपनी वास्तविकता को नहीं स्वीकारते, आप भविष्य की ओर नहीं बढ़ सकते। इसलिए पहले आपको जो आपके साथ हो रहा है वो लिखना है, और उस पानी को आपको पी जाना है। और कुछ देर बाद आपने दूसरा ग्लास, जो कि आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, उसको आपने पी जाना है। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आपको रोज़ाना करनी है, एक ही समय पे करनी है और एक ही जगह पे करनी है। बहुत से साधक और साधिकाएं ऐसी होती हैं जो एक जगह पे नहीं रह सकती, उन्हें नौकरी पे जाना होता है, अपने काम पर जाना होता है, तरह तरह की चीज़ें होती हैं जो कि हर जगह
एक जगह पे नहीं रुकते लोग, बहुत सारे काम होते हैं उनको। तो ऐसी स्थिति में भी आप कहीं और पे जाके भी पी सकते हैं, लेकिन ये तब करें जब और कोई चारा ना हो। यदि आप एक जगह पे रह सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, तो आप एक ही जगह पे रुकें और इसको ऐसे पीना है आपको। कुछ भी नहीं करना, एक रुपया आपका खर्च नहीं होगा, इसका वादा मेरा है आपसे। आपको सिर्फ पानी पीना है, और जो पानी आप पिएंगे ये आपको किस मुकाम तक ले जाएगा इसकी अभी आप कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते। ये इतना शक्तिशाली प्रयोग है कि जीवन बदल के रख देगा आपका। न केवल प्यार में, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो उसे भी पहले दो गिलास लेने हैं। पहले गिलास पे अपनी वास्तविकता लिखनी है कि मैं कमज़ोर हूँ, या मुझे समझ में नहीं आता, या मैं पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता। कुछ भी आपकी समस्या है वो पहले लिखिए, उसको वास्तविकता में लाइए, उसको महसूस करिए, उसको उस गिलास को पी जाइए पानी को। और उसके बाद दूसरा गिलास जो आपके भविष्य का है, जो आप चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उसको पीजिए। और याद रखिए, ऐसा करते रहेंगे तो आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे कि आप अभी सोच भी नहीं सकते। मैं आपको ये नहीं कहता आप मेरी बातों पे विश्वास करें, मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि जो मैंने कहा है उसको करके देखिए। अब लोग समय पूछते हैं, अनासूत ऐसे प्रश्न करते हैं जिनका ना तो कोई सिर होता है ना पैर होता है, जैसे कैसे पेन से लिखना है, कौन से रंग का पेन होना चाहिए, पेंसिल चलेगी। इस तरह के प्रश्न ना करें। आप किसी भी चीज़ से लिख लीजिए, डेस्टिनी को वो दिखना चाहिए, यानी यदि आप उसे देखें तो आपकी समझ में आना चाहिए। किसी भी पेन से, किसी भी मार्कर से, किसी भी समय लिखकर आप ये करिए। यदि आप सही समय जानना चाहते हैं तो सुबह करिए। ब्रह्म मुहूर्त ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठे, फिर भी यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप इसको कभी भी तड़के कर सकते हैं। इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इसको रोज़ करना है। यदि एक दिन भी मिस कर दिया, एक दिन भी छोड़ दिया, तो प्रक्रिया शुरू से हो जाएगी, शून्य से फिर शुरू हो जाएगी। सिर्फ आपको लिखना है, जो आपकी कंडीशन है, जो आपकी स्थिति है, उसको लिखिए, उसको पी जाइए, और उसके 5 या 10 मिनट बाद दूसरे ग्लास का पानी पीजिए, जो आप चाहते हैं। दोनों एक साथ भी पी सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। किन्हीं कुछ लोग होते हैं जिनके पास समय की थोड़ी कमी होती है, तो वो 2 मिनट में भी पी सकते हैं। एक ग्लास पीने के 30 सेकंड के बाद दूसरा ग्लास भी पी सकते हैं, लेकिन ऐसे पीना ज़रूर है। यदि आपने एक ही ग्लास पिया तो याद रखिए आपकी स्थिति वहीं रहेगी जहाँ आपने पिया है। और यदि खाली फ्यूचर में लिखा हुआ जो ग्लास है उसको पियेंगे तो भी स्थिति नहीं बदलेगी, क्योंकि आपको वास्तविकता को पहले अपनाना होगा। भविष्य आपका तभी बनेगा जब आपकी कोई जड़ होगी, जब आपकी कोई स्थिति होगी। इसलिए पहले वास्तविकता को अपनाइए, उसके बाद किसी भी क्षेत्र में, पति पत्नी के लिए कर सकती है, यदि कोई साधक है वो किसी को प्यार करता है तो वो उसके लिए कर सकता है, यदि किसी को कुछ हासिल करना है अपने जीवन में तो वो उसके लिए कर सकता है। कोई भी क्षेत्र में इसको उपयोग कर सकते हैं, और उपयोग करने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और इसके रिजल्ट्स आपको इतने अच्छे आएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, आपको 2 पानी के गिलास लेने हैं। 1 पानी के गिलास में अपनी मौजूदा स्थिति लिखनी है कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ भी आप उसमें 2 शब्द लिखें। कागज़ पर लिख के चिपका सकते हैं, या ग्लास पर भी लिख सकते हैं। उसको 5 मिनट रोकें और फिर उस पानी को पी जाएं। फिर दूसरे ग्लास में आप लिखें कि मैं ये चाहती हूँ ये हो जाए, और उसको पी जाएं। आप यहाँ पे भविष्य में भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि ये हो रहा है मेरे साथ। मान लीजिए आपकी स्थिति ख़राब है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि मेरी स्थिति ख़राब है, और दूसरे ग्लास में लिख सकते हैं कि मेरी स्थिति अच्छी है। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरह से भी आप इसको पूरा कर सकते हैं, नहीं तो आप भविष्य में भी लिख सकते हैं कि मेरी स्थिति अच्छी हो जाए, ये दूसरे ग्लास पर आप लिख सकते हैं। और ये जो 2 ग्लास का उपाय है, ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा, इस बात का दावा मैं करता हूँ। बशर्ते यही है कि आपको सही
तरीके से ये काम करना है और रेगुलरिटी में करना है, यानी कि रोज़ाना करना है। अमूमन ये एक महीने का प्रयोग है, वैसे इसको 90 डेज लगते हैं, 90 दिन यानी कि 3 महीने, लेकिन आप इसको एक महीने करिए, आपको इतना अच्छा असर आएगा, इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा कि आप इसे आगे भी करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आपको बताया। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्लभ सामग्री को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय।